अभी कुछ ही दिन हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस हाउस में लौटे हुए। वहीं सिद्धनाज की लंबी जुदाई के बाद सिद्धार्थ हो गए हैं शहनाज से नाराज। कल के एपिसोड में जहां कैप्टनसी टास्क में शहनाज हो गई थी पारस और सिद्धार्थ से नाराज, क्योंकि दोनों में से कोई भी उसे कैप्टन नहीं बनाना चाह रहा था और उसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि पारस माहिरा को कैप्टन बनाना चाहता था, और इसीलिए शहनाज ने किया पारस को अपने प्यार का इजहार सिद्धार्थ के सामने। काफी देर पारस के पीछे घूमने पर जहां उसे भाव नहीं मिला तो वो वापस लौट आई सिद्धार्थ के पास। बस इन्हीं बातों से नाराज होकर सिद्धार्थ आज के एपिसोड में दिखेंगे शहनाज को अवॉइड करते हुए। जहां एक तरफ शहनाज सिद्धार्थ के पीछे पड़ेंगी उनका अटेंशन पाने के लिए, वही सिद्धार्थ कहेंगे कि अब कुछ नहीं, सब खत्म हो गया है, जिसे सुनके शहनाज खुद नाराज न होते हुए सिद्धार्थ को मनाना शुरू करेंगी और कहेंगी कि अगर सिद्धार्थ ने मुझसे बात न की तो मैं खाना खाना बंद कर दूंगी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जहां एक तरफ सिद्धार्थ पर इन सब बातों का कोई असर न होते हुए शहनाज नया तरीका अपनाती है उसे मनाने का, वे सिद्धार्थ के आगे रोने धोने का नाटक भी करेंगी और उसे नींद में से उठाने के लिए उल्टे सीधे पैतरे भी अपनाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद सिद्धार्थ टस से मस नहीं होंगे, जिससे थक हार के शहनाज बाद में रोना शुरू करेंगी और सिद्धार्थ पे चिल्लाएंगे भी कि क्या समझता है अपने आप को, इतना एटीट्यूड किस बात का है। लेकिन इन सब का भी सिद्धार्थ पे कोई असर नहीं होगा और वे नहीं बात करेंगे शहनाज से, जिसके बाद फाइनली शहनाज सिद्धार्थ के पास आएंगी और कहती है कि ठीक है, इसका मतलब मेरा तुम्हारा सब खत्म। तो क्या सिद्धार्थ शहनाज को जल्द माफ कर देंगे या थोड़ा और भाव खाने के बाद ही माफ करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा आज के एपिसोड में। लेकिन कुछ भी हो जाए, शहनाज ज्यादा देर बात किए बिना नहीं रख पाएंगी सिद्धार्थ को। तो व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, सिद्धनाज की इस खट्टी मीठी नोकझोंक का कुछ ज्यादा असर पड़ेगा इनकी रिलेशनशिप पे, जो कि बिग बॉस के इस सीजन की सबसे बड़ी TRP है? प्लीज कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब।